नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और उसका असर किस तरीके से हो रहा है, ये बड़ी खबर के जरिए हम आपको बताते हैं। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास दो धमाके हुए हैं। डेनमार्क पुलिस धमाके की जांच में जुटी है। तो किस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव बना हुआ है और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इजरायली दूतावास के पास धमाके होते हैं। दरअसल डेनमार्क में ये धमाके होते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास ये धमाके होते हैं। अब ऐसे में डेनमार्क पुलिस धमाके की जांच में जुटी हुई है। अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, लगभग 180 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, उसके बाद आप देखिए कि अब यहां पर इजरायली दूतावास पर भी हमला हो रहा है। कोपेनहेगन में ये दो धमाके इजरायली दूतावास के पास होते हैं। क्या ये जो हमला किया गया है उसी के बाद इस तरीके से धमाके देखने को मिल रहे हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब डेनमार्क की पुलिस धमाके की जांच में जुटी है और जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ दो मुल्कों पर नहीं पड़ता है बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है।